ये मात्र 70 साल पुरानी कहानी है। पूर्वानुमान क्या कहता है कि संघर्ष करने के बाद लोग भाग धीरे धीरे इन बातों को समझते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि मल्टीपल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग को अभी तो कोई हिंदुस्तान में आदमी समझ नहीं रहा था, लेकिन अब होगा क्या कि एक आदमी एमबीए फाइनेंस में कोर्स करेगा तो बिजनेस करने के तरीके में डायरेक्ट सेलिंग वर्ड और जुड़ जाएगा, क्योंकि उस पर कानून बन गया। हेलो, अब आज के बाद कोई वकालत करेगा, आज के बाद कोई जज बनेगा, तो उसे लोगों के अंदर और पढ़ना पड़ेगा कि डायरेक्ट सेलिंग का भी ये लो है। हेलो, अब नेता पढ़कर आएगा तो डायरेक्ट सेलिंग पढ़कर आएगा, स्टूडेंट पढ़कर आएगा तो डायरेक्ट सेलिंग पढ़कर आएगा, आईएएस पढ़कर आएगा तो डायरेक्ट सेलिंग पढ़कर आएगा, और एक जज पढ़कर आएगा तो डायरेक्ट सेलिंग पढ़कर आएगा। और अगले 5 से 10 सालों में पूर्वानुमान क्या कहता है कि डायरेक्ट सेलिंग समाज के तमाम वर्चस्व में सबसे नंबर 1 का वर्चस्व लेकर आएगा। मेरे दोस्त की शादी सिर्फ इसलिए रुक गई थी कि उसने बोला कि मैं आरसीएम करता हूं, लेकिन अगले 5 साल के बाद जब शादियां होंगी ना तो लड़की का बाप लड़के से पूछेगा, बेटा करते क्या हो? वो कहेगा मैं इंजीनियर हूं। तो लड़की का बाप कहता भविष्य सुरक्षित नहीं है, इंजीनियर है मतलब भविष्य सुरक्षित नहीं है। आज कंप्यूटर का जमाना है, कभी किसी और चीज का जमाना जाएगा, कभी मैकेनिकल का जमाना आ जाएगा, कि कंप्यूटर वाले ये इंजीनियर वालों का तो भविष्य सुरक्षित नहीं है, बेटा मैं तो शादी नहीं कर सकता। वो दूसरे के पास जाएगा, दूसरा कहेगा कि मैं डॉक्टर हूं। तो कहेगा डॉक्टर है इसका मतलब मेरी बच्ची को तो टाइम दे नहीं पाएगा, कभी तेरे को रात को 2 बजे बुलाएंगे, कभी 4 बजे बुलाएंगे, 6 बजे बुलाएंगे, मेरा जीवन तो बर्बाद होने वाला, मैं तो शादी नहीं करूंगा। फिर वो तीसरे के पास जाएगा, वो कहे मेरे मैं भैया आईएएस अफसर हूं। वो कहा आईएएस अफसर? अरे तू तो दिवाली भी घर में नहीं मना पाएगा, मेरे साथ तो शादी हो नहीं सकती। लेकिन पूछते पूछते जब उससे पूछा जाएगा कि तू क्या करता है, एक आदमी बोलेगा कि मैं आरसीएम का डायमंड हूं, मेरे भाई जवान पे ताला लग जाएगा, क्योंकि डायमंड बोलने के बाद कोई दुनिया में प्रश्न बचेगा ही नहीं, क्योंकि एक इंसान को जो सारी चीजें चाहिए वो डायमंड के अंदर होती है। डायमंड की 1 महीने की इनकम होती है लगभग 25 लाख रुपए। हेलो, अब देखिए क्या क्या चीज मिलती है, उसको सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। पैसा बहुत आएगा क्योंकि 25 लाख रुपए पर मंथ है। सिक्योरिटी इतनी है कि मेरे भाई हर चीज बंद होना सकता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में इसका कमीशन बंद नहीं हो सकता। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूं। आप लगभग सभी लोग मेरी डाउनलाइन में हैं, 90% होंगे। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, कई बार ट्रेनिंगों में आप आते हैं, सुजीत जी आप भी आते हैं, रवि जी आप भी आते हैं, ट्रेनिंगों आके मुझसे कहते हैं कि सर आप जो कहेंगे वो करेंगे, आप कहेंगे कुएं में कूद जाओ तो कुएं में कूद जाएंगे, हम असली फॉलोअर हैं आपके। आज गुरु दक्षिणा का वक्त आ गया है मिस्टर सुजीत सिंह, आज मुकेश कोठारी तुझसे मांगता है कि मुकेश कोठारी के यहां सारे सपने पूरे हो गए हैं, इसलिए प्लीज अब मुझे कोई काम नहीं करना, मुझे कोई पैसा नहीं कमाना, प्लीज आप काम बंद कर दीजिए। ये कैसा स्टूडेंट है, उस दिन तो बोला था कि कुएं में कूद जाएंगे और अब कहता मैं नहीं करूंगा। ये सीधी सीधी बात करता है कि मुकेश कोठारी सपने तेरे पूरे हुए हैं, मेरे अभी पूरे नहीं हुए। सपने अभी तेरे पूरे हुए हैं, सपने अभी मेरे पूरे नहीं हुए। ओके, जब सुजीत के सपने पूरे हो जाएंगे फिर तो डाउनलाइन काम करना बंद कर देगी। डाउनलाइन के लिए सुजीत सपना भी तेरा पूरा हुआ है, मेरा नहीं पूरा हुआ। तो सबके सपने पूरे हो जाएंगे फिर तो मालूम हो जाएगा, नहीं, पैदा होने का कर्म लगातार जारी है, ये रुकना नहीं है। लेकिन आने वाले फ्यूचर को आपको समझना पड़ेगा, आने वाले फ्यूचर को आपको समझना पड़ेगा। अभी आप कहते हैं कि एसबीआई बाहर आई है तो आप सब लोग उठकर चले जाएंगे, सब लोग गायब हो जाएंगे, बड़े बड़े अचीवर गायब हो जाएंगे, मुकेश कोठारी को छोड़ देंगे, एक आदमी सिर्फ यहां पर बैठा रहेगा माइक वाला, वो कहे तू छोड़े तो मैं भी जाऊं। ये आज की कहानी है, आज के 20 साल बाद की कहानी होगी कि एक आदमी डायमंड है तो वहां पर लाइन लगना चालू हो जाएगी, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा आदमी है जिसके पास पैसा है, प्यार है, सम्मान है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, सर्कल है और सिक्योरिटी है।